एक प्रसूता के गर्भ में हुई नवजात की मौत से आक्रोशित परिजनों ने बालाघाट जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रॉपर इलाज न मिलने से नवजात शिशु की मौत हुई है। वही डॉक्टर का कहना है कि प्रसूता को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया था। दरअसल प्रसूता भ्रमेश्वरी को परिजन 24 मई को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाए थे। 24 से 25 तारीख तक सब नॉर्मल था, किंतु प्रसूता डिलीवरी की स्थिति में नहीं थी। प्रसूता की बुआ के मुताबिक 26 मई को बच्चे की हलचल कम होने से उन्होंने महिला चिकित्सक गीता बारमाटे से चर्चा की तो उन्होंने इंतजार करने को कहा। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी में हो रही देरी का एवं नवजात के शिथिल होने का कोई कारण नहीं उन्हें बताया गया और न ही कोई इलाज किया गया, अन्यथा वे प्रसूता को कहीं और लेकर चले जाते। समय पर इलाज न मिलने और सही सलाह न देने से बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई है। इस बात से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं सिविल सर्जन ने महिला चिकित्सक का बचाव करते हुए बताया कि प्रसूता का पूरा ख्याल रखा गया था, पूरा इलाज किया गया था। परिजनों की कोई भी शिकायत है तो उसकी सूक्ष्मता से जाँच की जाएगी और कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने मृत शिशु को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा इसका मेडिकल कारण भी बताया। बच्चा जो है पेट में एक्सपायर कर गया, काफ़ी समय से उसका कुछ इलाज नहीं पाया, इसलिए मरीजों का कहना है क्या मामला है। देखिए, एक ये भूमेश्वरी करके 24 वर्ष की महिला हैं जिनके पति का नाम मनोज है। ये 24 तारीख की शाम को हमारे अस्पताल में भर्ती हुई थी। 25 तारीख को उनको देखा गया है, बाकायदा लेडी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनने देखा है। तब तक वो ठीक थी और वो मतलब जिसे हम कहना चाहिए प्रसव की स्थिति में नहीं थी। आज सुबह भी मैडम ने उनको देखा तो उनको लगा कि शायद बच्चे की स्थिति कुछ उनको समझ में नहीं आई है, लेकिन वो महिला फिर भी प्रसव की स्थिति में नहीं थी। अभी ये निश्चित हुआ है कि उनका इंट्रायूटराइन डेथ हो गई है बच्चे की। तो ऐसी स्थिति में अब मैडम गायनेकोलॉजिस्ट जो मैडम है गीता बारमाटे मैडम, उनका ये कहना है कि चूँकि हेड हाई है और पेशेंट लेबर में नहीं है तो संभवतः उसको देख रेख करेंगे और अगर लगेगा तो उसका ऑपरेशन करके उसके बच्चे। सर, परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 बजे बच्चा खत्म हो गया था, जानकारी मिल गई कि 2 बजे बच्चा खत्म हो गया, उसके बाद अभी तक कुछ भी इलाज नहीं हुआ है। नहीं, इलाज तो बराबर चलता रहा है और मैडम देख भी रही हैं और मैडम ने अटेंड भी किया है, नर्सों ने भी अटेंड किया है, ए शीट में सब चीज़ों के इंदराज किए गए हैं, कल भी मैडम ने देखा है और गायनेकोलॉजिस्ट हमारी नियमित रूप से देख रही हैं। अब ये जांच का विषय है, अगर ये शिकायत उन्होंने की है तो हम इसकी और आगे सूक्ष्मता से जांच करवा लेंगे और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा। सर, क्या लगता है 2 बजे जब बच्चा खत्म हो गया उसके बाद अभी तक बच्चे को निकाला नहीं गया? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरा व्यक्तिगत रूप से तो मानना ये होता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमें समय देकर डिलीवरी होने का इंतजार करना चाहिए जिससे कि अनावश्यक रूप से सर्जरी से बचा जा सके। फिर भी अब ये वाला विधा मेरी नहीं है, ये लेडी डॉक्टर को ही निर्णय लेना है कि उन्हें क्या करना है। हम मरीज के हित में जो सबसे उत्तम इलाज होगा हम वो करेंगे। बताएंगे आंटी, क्या कुछ समस्या हुई आपको, क्या दुर्घटना हुई? बोली 25 तारीख को ना ले जाऊं, मैं 24 तारीख को ही लेके चले जाऊं। एक दिन पहले मैंने एक दिन पहले लाके यहाँ पर भर्ती करी, 24 तारीख को भर्ती करी, 24 से 25 तारीख हो गई, आज 26 तारीख हो गई। तो मैडम ने कितनी सी समस्या नहीं बताई कि बेटा इसके साथ में ऐसी ऐसी समस्या है या पानी की कमी है या जो भी रही होगी उनके दिमाग में, तो मैं तो बता तो देना था कि इनके साथ ये है, कहीं ले जा लो या मैं इसके इलाज के लिए दवाई लिख दे, कुछ तो करना था, कुछ नहीं करी सर। कि आप ये कराए तो मैं उनके घर तक गई, सुबह घर भी गई थी उनके, तो मैडम मैंने बोली मेरी भतीजी है भूमेश्वरी, उसका हम बच्चे का हलचल थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि जितना लोग बता रही दीदी बता रही तो उसको देख लोगे, ऐसा भी बोली। तो क्या कहती, बस मेरी ड्यूटी का समय तो वही गया, मैं तो जा ही रही। क्या नाम है जिस पेशेंट का आपको भर्ती किया था? भूमेश्वरी कंसर है, पूरा से। कब भर्ती की थी आपने? 24 तारीख को। जिस डॉक्टर की आप बात करें, क्या नाम है उन डॉक्टर का? मैडम, अभी कुछ पैसे की बात किए थे आपने, कि पैसे के लेन देन की बात किए थे? सर, मैंने उससे पैसे ले, मैं गई थी कि मैडम कुछ करो उनके लिए, लेकिन मैडम बोली मेरी ड्यूटी का समय है, मैं वहीं जा रही हूँ, तो मेरे से ली और ना दी और मेरे पेशेंट को आके कुछ बता ही ना सताई। मतलब आपसे पैसे लिए क्या उन्होंने? पैसे लेने की मांग तो नहीं करी मेरे से, मेरे साथ बात।